Assalamu alaikum dosto, I am back again with another exciting match which is about to start. Peshawar Zalmi taking on Islamabad United aur ye ek aur bahut bada match hone wala hai. Dono teamon ke perspective se liye ye match equally important hai. Dono teamon mein bahut bade bade naam maujood hain. Islamabad United ki baat kare to Shahid Khan, Hassan Ali, Fahim Ashraf, Asif Ali sare hard hitter hain aur acche batsman hain aur Hassan Ali ke liye specifically उनकी पुरानी फ्रेंचाइज के साथ मैच है तो अच्छा और तगड़ा मुकाबला देखने को आएगा. ऑन द अदर हैंड पेशावर ज़ल्मी के पास भी काफ़ी अच्छे और भरपूर सलाहियत वाले बैट्समैन हैं जिसमें आपके पास टॉप में इमामुल हक हैं जो कि आपको एक स्टार्ट देते हैं और थोड़ा स्लो लेते हैं लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम अपने आप को चेंज करते हैं और अपना स्ट्राइक रोटेट वगैरह के साथ बाउंड्रीज वगैरह से भी हेल्प देते हैं. उसके बाद आपके पास शोएब मलिक हैं, हैदर अली हैं. बॉलिंग में वहाब रियाज इतने कोई प्रॉमिसिंग नहीं है, सिर्फ कैप्टन होने की वजह से मेरे ख्याल से साइड को वो लीड कर रहे हैं और प्लेइंग 11 में जगह भी उनकी बन जाती है. पिछले दो तीन मैचों में देखा गया है कि इतनी अच्छी कोई कैप्टनसी भी नहीं रही उनकी और ना कोई बॉलिंग से इतने इफेक्टिव है. मैं लास्ट मैच में 4 ओवर में उन्होंने 54 रन खाए जो कि काफ़ी कॉस्टली साबित हुआ. तो देखना ये कि अभी डेफिनेटली प्लेइंग 11 का तो पार्ट होंगे वो बींग ए कैप्टन, तो ऐसा भी कुछ होना चाहिए कि अगर कैप्टन परफॉर्म नहीं करा तो आपके पास मेकशिफ्ट कोई कैप्टन हो जिस तरह उनके पास एक्सपीरियंस शोएब मलिक का भी मौजूद है. खैर गेम है, इससे बात होती रहेगी. आज के मैच पे बात कर लेते हैं. थोड़ा सा टाइट मुकाबला लग रहा है. दोनों वेल बैलेंस स्क्वाड हैं, दोनों लाइक अपने लास्ट एक दो मैचेस जीती हुई हैं. मोमेंटम ज़ल्मी के साथ भी बहुत अच्छा चल रहा है, उन्होंने 200 भी चेस किया है 198 और कल उन्होंने 202 भी किया. तो देखना ये कि बैक टू बैक मैचेज हैं कितना ये ज़ल्मी के लिए फायदेमंद होगा. और ऑन द अदर हैंड इस्लामाबाद यूनाइटेड जो कि एक नंबर से 11 नंबर तक उनकी बैटिंग है और काफी तगड़े हिटर्स हैं उनके पास, तो उम्मीद की जा रही है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड भी एक टफ मुकाबला देगी पेशावर ज़ल्मी को. और इट्स नॉट सरप्राइजिंगली कि अगर जो भी टीम टॉस जीती तो देयर आर वेरी मच चांसेस कि वो पहले बॉल ही करेगा. तो और 10वां मैच है और 9 मैचेस में ऐसा होता जा रहा है कि जिसने पहले टॉस जीत के बॉलिंग ली है और इवेंचुअली वो मैच जीता है. तो आई थिंक इस टैक्टिक को, स्टैट्स को थोड़ा चेंज करने के लिए क्या टीम्स को किया जाए कि कुछ बैटरमेंट आए और अगर आप बड़ा टोटल लगा देते हो तो आप उसको डिफेंड भी करो. अब थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं. अर्ली ऑन जो भी कैप्टन हैं थोड़े से शेकी नजर आ रहे हैं, रिस्क थोड़ा लेना पड़ेगा कीपिंग इन माइंड के आपकी बैट स्कोर करने के बावजूद भी इतना 200-200 भी चेज हो रहा है तो ऐसी क्या रीजन हो सकती है. तो उसके लिए शादाब भी देखा गया है, अहमद वसीम को भी देखा गया कि जब उनको स्कोर पड़ना स्टार्ट होता है तो अपने आप को लाइक पहले से ही आउट कर लेते हैं, विच इज आई थिंक बिट नॉट अ गुड थिंग टू डू बिकॉज कैप्टन शुड लेट फ्रॉम द फ्रंट. और आपको चाहिए कि आप प्रेशर अपने आप पर ऑब्जॉर्व करो, स्पेशली जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं काफी एक्सपीरियंस उनको ऑलरेडी मिल चुका है. माद हो गए, शादाब हो गए, दो मैचेस में देखा गया कि जैसे ही उनको हिटिंग स्टार्ट होती है अपने आप को चेंज करते हैं और बॉलिंग करने बाद में आते ही नहीं. शादाब को शर्जील ने 4 छक्के मारे, उसके बाद उन्होंने 2 ओवर किया, 2 ओवर तक आए नहीं और उन्होंने लाइक इवन दो मैच वो जीत गए, एंड रिजल्ट मैटर्स, बट कैप्टन शुड लेट फ्रॉम द फ्रंट और थोड़ा सा एग्रेसिव मोड में आना चाहिए और अटैकिंग क्रिकेट होनी चाहिए और प्रेशर को सस्टेन करें. तो अगर 200 कर भी जाते हैं, 200 चेस भी हो रहा है तो देखना ये कि कहाँ गलती हो रही है. पावर प्ले को अच्छा यूटिलाइज कर रही है जो सेकंड टीम है. स्कोर रोकने के लिए कुछ स्पेसिफिक तरीके करने पड़ेंगे, अच्छी बॉल यॉर्कर लेंथ बॉल करनी पड़ेगी फास्ट बॉलर्स को. अगर आप स्पिनर इंट्रोड्यूस करवा रहे हो तो मेक श्योर के स्पिनर कुछ टर्न तो लेना. पिचेस आई बिलीव के इतना टर्न नहीं सपोर्ट कर रही है. लास्ट मैच में भी देखा अभी मुल्तान वाले में किंग्स ने इजिली चेस किया और जो स्पिनर्स थे मुल्तान के पास उस्मान कादिर और शाहिद अफरीदी उनको काफी धुलाई हुई. वो क्लियरली शो कर रहा है कि बॉल इतना टर्न भी नहीं ले रहा. फास्ट बॉलर्स के लिए थोड़ी सी हेल्प है, अच्छी लीजन लाइन और लेंथ के साथ बॉल करेंगे तो रिजल्ट्स आएंगे. तो न्यूज फ्रॉम द सेंटर के पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीत लिया और विदाउट एनी हेजिटेशन दे इलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट और एज एक्सपेक्टेड. अब देखना यह कि इस्लामाबाद क्या पहली टीम बन सकती है जो कि हिस्ट्री क्रिएट करे और आज 10वें मैच में बाद में बॉलिंग करके ये मैच जीत जाए. बाहर तो अपेरेंटली कहना मुश्किल है क्योंकि जो अभी तक जो ट्रैक चल रहा है कराची की विकेट पे हुएवर विन द टॉस उसने एक्चुअली मैच भी जीता है. तो पहला काम तो ये करना होगा इस्लामाबाद को एक बड़ा डिसेंट टोटल लगाना होगा ज़ल्मी की बैटिंग स्ट्रेंथ को देखते हुए. दे शुड गेट अराउंड टारगेटिंग 200-220 एट लीस्ट क्योंकि बाकी जो चेज है वो बड़ा इजी हो रहा है और हार्ड हिटर मौजूद हैं ज़ल्मी के पास. उसके बाद इस्लामाबाद डू है बॉलिंग के, वो इस चीज को कर सकते हैं सेव इस टोटल को. तो मेरे ख्याल से इस्लामाबाद 200 अगर 220 तक चला गया तो जीत सकते हैं और ट्रेंड जो हमारा चलता आ रहा है चेंज हो सकता है. हसन अली काफी वाइटल रोल प्ले करेंगे और इसके साथ फहीम अशरफ, दो प्लेयर्स जो मेरी साइड से आज अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं हसन अली और फहीम अशरफ हैं इस्लामाबाद की साइड से. पेशावर की साइड से हैदर अली हैं और माइट बी शोएब मलिक एक पार्ट प्ले करें बीइंग ए सीनियर प्रो.
प्रेडिक्शन टाइम देखा जाए तो काफी क्लोज मुकाबला है, लेकिन बीइंग ए यूनाइटेड सपोर्टर किसी भी टीम के साथ मैच होगा, अगर मुझे रिस्पेक्टिव लग भी रहा होगा दूसरी टीम तगड़ी है तो डेफिनेटली आई विल सपोर्ट इस्लामाबाद. सो विदाउट एनी हेजिटेशन आई विल प्रेडिक्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड फॉर टुडे 52-48 और लेट्स सी रिजल्ट क्या आता है और अच्छा मुकाबला देखने को मिले और उम्मीद है कि आज ट्रेंड चेंज होगा और इस्लामाबाद यूनाइटेड विल बी द फर्स्ट टीम जो बेसिकली अपने टोटल को डिफेंड करेगी. लेट्स सी, टाइम विल टेल. और टिल देन टेक केयर एंड कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग माय चैनल.